टिहरी में सुंदरलाल बहुगुणा से मिलने से पहले हमें इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं था कि शहर के जिस पहाड़ी होटल में हमने एक रात बिताई या जिस टिहरी में हम दो दिन घूमते रहे उस जगह का कल कोई नामो निशान नहीं रहेगा। तो गांव कौन कौन किस तरफ हैं जो आप बता रहे थे 125 गांव जो ये हैं इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ बनेगा ये इसके ऊपर, ये इधर ये घाटी आगे मिलेगी आपको, उस घाटी में सारे गांव हैं। ये इस तरफ घाटी है ये? हाँ, इधर भी है और इधर भी है, दोनों तरफ। ये दो नदियाँ हैं ना, तो भागीरथी घाटी है दाहिनी तरफ और बाईं तरफ जो है वो भिरंगना की घाटी है। उस घाटी में जो गांव है, अगर आप आगे जाएंगे एकदम आपको संतल गांव दिखाई देंगे जी, जी। है ना, वो सारे के सारे गांव जो हैं डूब जाएंगे और सबसे यहाँ के हर सब जर संपन्न इलाका जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो ये बांध कहाँ तक बन रहा है, कुछ बताइए ये कहाँ तक बन रहा है बांध यहाँ पर? ये नहीं है ना, उसकी ऊँचाई तो ये है ना, ये उसकी ऊँचाई तक बनेगा यहाँ से बस, ये फिर आगे उस ऊंचाई तक वो बंद हो जाएगी नदी और फिर वो आगे की तरफ तो पानी की झील बन जाएगी। टिहरी में हमने नारों में छिपी इस पीड़ा को तलाशने की कोशिश की। पहला गांव था पडियार। हालात बहुत अच्छे नहीं, रात दिन एक ही डर, एक ही चिंता, न जाने कब सब कुछ खत्म हो जाएगा। यार देखो हमारा कैसा गांव था, हम पर्दा करके चलते थे, आज हमारी ऐसी स्थिति आ गई कि हमें कोर्ट में भी जाना पड़ रहा है। ये कोर्ट में भी हमें जाना पड़ रहा है। उस दिन ये हुआ कि जब पुलिस फोर्स आई थी 360 पुलिस से, 360 460 जितनी भी होगी, पर 300 से ऊपर थी। तो आए वो लोग, तो ये हमारे अध्यक्ष हैं, ये पहले वहाँ जा रखी थी, बाद में हम गए एडीएम साहब से मिलने के लिए, इसलिए गए थे उनके पास कि आपने खनन कार्य शुरू कर दिया, हमारा धरना तोड़ रहे हैं, हमको आपने कुछ नहीं दिया, ये बोला। तो हमारी ये मांगे थी कि हमको जब कुछ नहीं मिला और हमको विस्थापित नहीं कर रहे हो तो हम इस काम को रोक दो, इस काम को रोक दो। तो एडीएम साहब ने कहा कि हमारी महिला मेरी दीदी लगती है, वो उसने कहा कि जब तक हमारा नहीं दिया तो धरने पर नहीं छेड़ सकते हो, काम नहीं कर सकते हो। तो फिर हमने ऐसा कहा तो उन्होंने कहा करो बंद इसको, एडीएम साहब ने कहा कि इसको बंद करो, ये बहुत ज्यादा बोलती है, इसको बंद करो ना। सरकार को हमने इसलिए जमीन दी कि ये हमारे साथ ऐसे बदतमीजी सलूक करे, इसलिए हमने जमीन दी थी। हमने कहा था कि चलो हमारा होगा भाई, उसे हमें दो, जब तुमने जबरदस्ती हमारे उसमें वो कर दिया, जब हमारी जमीन अभी बाकी है, हमारे मकान अभी बाकी है, हमारी चीज अभी बाकी है, तो हम कैसे छोड़ देंगे गांव को, कैसे हम भाग जाएंगे। इतना बड़ा टिहरी बांध बना रहे हैं और सबसे ज्यादा गांव यहां डूबने हैं और सबसे ज्यादा परिवारों में विस्थापित होना है, और पुनर्वास नीति जिसको भी देख लीजिए आप, पुनर्वास नीति 15 पेज, बाकी तो गाँव का नाम है ही, 16 पेज लगा लो, तो 16 पेज में क्या नीति होगी। अरे 125 गांव विस्थापित हो रहे हैं, 125 पे इनके आंकड़े, गांव तो हो रहे हैं कम 150-200 गांव हो रहे हैं, जो गांव इनकी लिस्ट में नहीं है। लेकिन गढ़वाल की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच पडियार ही अकेला गांव नहीं जो डर के साए में जीता है। इन वादियों में ऐसे दर्जनों गांव हैं सहमे हुए से। ये है खांड गांव, टिहरी बांध की डूब माने वाला एक प्रमुख गांव। सरकारी रिकॉर्ड्स के मुताबिक इस गांव के लोगों का पुनर्वास हो चुका है, लेकिन यहां अभी भी तमाम लोग मौजूद हैं।
लोगों का देखिए अपनी धरती से और उससे कितना अटैचमेंट होता है कि एक बार जो मकान टूट गए उनको फिर से लोग रहने के लायक मना रहे हैं और उसमें बैठे हैं। वहाँ से कितने लोग वापस आए अभी तक? वहाँ से 8-10 परिवार आ गए वापस, यही हमारे गांव के, फिर वहाँ दूसरे गांव के भी आ गए होंगे कई, ये तो इसी गांव के आ गए वापस। फिर ऐसा है कि इन लोगों का जैसे यहाँ पर अपने पैदल भी अपने लड़कियाँ स्कूल पढ़ा सकते हैं, वहाँ तो हम जिसके पास पैसे नहीं होगा वो तो डिग्री कॉलेज देख ही नहीं सकता ना, वहाँ देहरादून जाने का कम से कम 20 रुपए। यहाँ तो यह है कि कहीं भी स्त्रियाँ घर पर सुरक्षित हैं, पर आदमी निश्चिंत है कहीं भी वो करेगा, फौज पर है कहीं जहाँ भी वो होगा वो निश्चिंत है कि मेरे परिवार जो है एक सुरक्षित जगह पर है। लेकिन वहाँ जाकर के रोजगार तो सरकार देती नहीं है, और उस व्यक्ति को जो वहाँ पर है अब उनको उनकी चौकीदारी के लिए उसको वहाँ पर रहना पड़ता है, और कोई धंधा उसके पास है नहीं। तो हमारा युवक जो है वो हमारा युवक वहाँ पर आतंकवादी बनेगा, क्योंकि जब उसके पास कोई धंधा नहीं है और उसको मजबूरन अपने परिवेश में रहना है अपने परिवार की सुरक्षा के लिए और रोजगार उसके पास नहीं है, तो फिर वो आतंकवाद, फिर वो हथियार उठाएगा, फिर उस प्रकार से वो उसमें शामिल होगा। हमारे भी साहब तो कोई सुना ही नहीं है, है हमारे बच्चे सब बेरोजगार हैं। पढ़ाई वढ़ाई का भी इंतजाम नहीं है आपको? तो पढ़ाई का क्या, पढ़ाई का बच्चे को पढ़ाई पूरी करके ये बैठे हैं यहाँ, यहाँ तो क्यों नहीं, यहाँ तो हमारे पढ़ाई का माहौल था, सब कुछ था। अब जब यहाँ पढ़ाई करके ये जवान लड़के ये लोग ये बैठे हैं पढ़ाई करके, जब टीएडीएस वाले सुनते ही नहीं हमारी, तो क्या करें हम उनको? मकान तोड़ने से तो बुलडोजर लाते हैं, लेकिन उनकी जो समस्या है कोई नहीं सुनता। डर सिर्फ बेघर होने का ही नहीं, उस नींव के हिल जाने का भी है जिस पर इनकी पूरी पहचान टिकी है। नींव उन मूल्यों की, उस सीधी साधी जिंदगी की जिसे पहाड़ के ये लोग वर्षों से संजोए बैठे हैं। नेचर जो है ना अपने आप अपने को केयर करता है, और ये प्रकृति की देन है गंगा माई, ये अपने आप अपने को क्योर कर रहे हैं। अब आप देखिए टनल फट गई, फाफर कंपनी की अब फटनी थी उसने जब डैम बनना था, तो सारा जेपी कंपनी ने आज और उसको भरने में लगाया, उनके गले लगी हुई बात क्या हो गया, और दोनों तरफ फट गई, इधर भी फट गई, यानी रिवर के दोनों तरफ जो फट गए, तो वो इसने कभी बनना है यहाँ के एक लोग कभी है, क्योंकि अगर इंसान नहीं रोकेगा तो परमात्मा रोकेगा। जीवनंद सरयाल ना उनकी एक कविता है, वो है बांध बहानो बनायो छियो को खाना पीना घुलना चलना यानी बांध जो है ये तो बहाना है, ये तो खा पी रहे हैं और हड़प रहे हैं। उम्मीद है कि डैम रुकेगा, हमें तो कंप्लीट उम्मीद है कि रुकेगा, जब इतनी बड़ी हस्ती हमारे साथ है तो उससे तो कोई नहीं बना सकता, छोटी बन सकते लेकिन बड़ा तो नहीं बनेगा। देखो भाई सबसे बड़ी हस्ती तुम हो, बच्चा मुझसे दूर देख सकता है, जो मेरे कंधे पर बैठा है ना वो मुझसे ऊंचाई पर है, मुझसे दूर देख सकता है तो ये मुझसे ज्यादा बातें जानते हैं। टिहरी में घूमकर एक बात और साफ हुई कि यहाँ के लोगों के जीवन का अब एक ही मकसद रह गया है, और वो है बांध का विरोध। अपनी धरती, अपनी मिट्टी, अपनी नदी और अपने जल से इतना स्नेह बहुत कम देखने को मिलता है। इस संघर्ष पर हम और बात करेंगे कार्यक्रम के अगले हिस्से में।